sponsored by रुद्रा केआर फिल्म्स की तरफ से। अभी जो है यहाँ पे मुहूर्त किया गया है कि ये लगभग 40 से 50 लाख की बजट की फिल्म है और रुद्रा फिल्म साहब इससे पहले भी बहुत सारी फिल्म्स करती आई है और विमोचन के तहत में इन्होंने बताया कि ये सामाजिक फिल्म से थोड़ा आधारित है और भोजपुरी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रूप और अच्छे ढंग देने के लिए इन्होंने इसका एक मुहिम चलाया है। ये नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है काम और नवंबर से लेकर के अप्रैल से मई तक में ये आपका रिलीज होने के कगार पे है। मेरा नाम है एस कुमार पांडे और मैं इस फिल्म रुद्रा केआर फिल्म बैनर का प्रोपराइटर हूँ और इस फिल्म का मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। यह फिल्म है हम हैं सूर्यवंशम, जिसका आज मुहूर्त किया है। ये सामाजिक पे भी आधारित है और जो आज मसाला होता है मारधार एक्शन कहानी है, अच्छी है इसकी, जो कि इसमें कोई बर्गल चीज़ नहीं है और साफ़ सुथरी फिल्म है जो आप दर्शकों को पसंद आएगी। इससे पहले मेरा शेरे बिहार फिल्म है जो TF कंपनी से रिलीज हुई है, उसमें अली खान जी बॉलीवुड के भी थे। और इससे पहले फिर हमारा रुद्रा केआर फिल्म से जीफा अवार्ड में झारखंड नेशनल बेस्ट जोरी नेशन बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड हमको मिला है बोकारो से, इंसान है हैवान पर। ठीक है, और शॉर्ट फिल्में हैं वैसे। फिल्म में अभी कितने कलाकार हैं जो आपके झारखंड से हैं और कितने बाहर से हैं? झारखंड से 60% हैं, 40% बाहर से, मुंबई से। गाना भी साफ़ सुथरा गाना है, अच्छी गाना है। इसमें पवन सिंह, खेसारी लाल, ये लोग सब लोग गाने वाले हैं। सबसे बात चल रही है और हो गया फाइनल, तो ये मुहूर्त करने के बाद हम लोग मुंबई निकलेंगे और अच्छे अच्छे गाने हैं। ये फिल्म का शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा? नवंबर 25-26 तारीख के बीच में हम लोग इस नवंबर में लास्ट नवंबर में स्टार्ट करेंगे। कब तक ये फिल्म देख सकते हैं अपने पर्दे पर? अप्रैल मई तक 2-4-5 महीना टाइम लगता है, 5-6 महीने के अंदर में ये फिल्म रिलीज कर। नहीं, इसमें जो रविशंकर मिश्रा हैं वो मुंबई के हैं और NTV पे भी उनका आता है, सीरियल लोग भी है और केरले सिंधी फिल्म की हैं, 2-4 फिल्म की हैं, वो कलकत्ता से हैं लेकिन मुंबई में भी रहते हैं। और इसमें इस फिल्म में सागर सरहदी जी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे। सागर सरहदी जो मुंबई बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, चांदनी दीवाना, कहो ना प्यार है, सिलसिला, नूरी, बाजार, मंडी, सारा फिल्म वो लिखे हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसमें नए कलाकार जो भी हैं सबको सहयोग करके हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक हम मेरा जो सोच है, हम एक अपना खुद का स्टूडियो खोलेंगे जिसमें गरीब जो लड़के होंगे उनको फ्री में ऑडियो बनवा करके उनका वीडियो हम रिलीज करेंगे, ताकि अब उनके किस्मत के ऊपर है कितना चमक रहे हैं। इतना सहयोग करना है हमें, इसके लिए थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा सब आता रहेगा, मेरा भी सहयोग होगा और लोगों का सहयोग होगा तो हम करेंगे। कलाकार लोग जो बहुत लोग हैं जो अंदर दबे हुए, जो पैसे कारण से शोषण होता है, नहीं मिल पाता, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, ये मेरा सोच है पहले का। तो देखिए, ऐसे हम लोग का जो बजट है कम से कम 40 का बजट है ये, क्योंकि इसमें मार्केट के हैं सब लोग, आर्टिस्ट हैं, सिंगर ही मार्केट के हैं, सारा लोग पवन है गए, खेसारी हो गए, सारा लोग हैं मार्केट के जो ले रहे हैं। क्योंकि अभी का जो ज़माना हो गया है ना कि CD कैसेट वैसेट तो है नहीं, यूट्यूब का ज़माना है, कंपनी भी यूट्यूब में सोचती है कि भाई जिसका नाम है उसको व्यूवर्स होता है, तुरंत बढ़ता तुरंत, इसलिए हम सब मार्केट का सिंगर ही ले रहे हैं। 40 का बजट है, हो सकता है 2-4-5 बढ़ जाए, लेकिन 40 का हम बजट लेकर चला जाए। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को एक चांस मिलना चाहिए और दर्शकों के बीच में जब ये जाएगी तो निश्चित तौर से एक समाज पर अच्छा संदेश जाएगा और लोग इस तरह की स्टोरी को पसंद करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसे कि दर्शक के साथ में तो हम लोग अब्रॉड भी हो सकते हैं। मेरा नाम उमा शंकर झा है, मैं झारखंड फिल्म निर्माता संघ का महासचिव हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ रुद्रा केआर फिल्म्स के मुहूर्त के शुभ अवसर पर। एक बात ख़ास तौर पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के उत्साही निर्माता कलाकार अपनी अपनी फिल्मों को लेकर के हमेशा से झारखंड में तैयार रहते हैं कि हमें फिल्म बनानी है, फिल्म का प्रदर्शन करना है, तो इससे एक बड़ा रोज़गार, व्यापक रूप में रोज़गार उत्पन्न होता है और यहाँ पर्यटन और यहाँ की कला संस्कृति भी दूर दूर जाती है। हमारी भाषा की जो विशेषता है वो भी बाहर दूर तक जाती है और भोजपुरी भाषा में ये जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं हम सूर्यवंशम हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरा नाम श्रीमती रेखा तिवारी है, मैं लोक गायिका हूँ। मेरी मेन भूमिका तो अभी तक तय नहीं है, लेकिन जो मुझे मिलेगा मैं कर लूँगी। मैं सहयोग के लिए आई हूँ यहाँ पे और हमारी शुभकामना है, मैं सबको साथ रहती हूँ, रहूँगी। झारखंड के कलाकारों को जो चांस नहीं मिलता है उसके मुहिम पर ही ये फिल्म को
और बेसिस पे चलाएंगे और आने वाले समय में झारखंड में जितने भी ऐसे कलाकार हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को उनको प्रोत्साहन के रूप में आने वाले फ्यूचर में रुद्रा फिल्म्स जो है काम करने वाले है। तो मैं श्याम द टाइम्स मीडिया से। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।